ऑक्साइड
की अशुद्धि अधिक है, तो जो प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग वो बेयर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए बेयर प्रोसेस यूज किया जाएगा, तब जब फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि क्या होगी, अधिक होगी। जब रेत की अशुद्धि अधिक होगी तो जो प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग, ये सर्फेस प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, और जब इन दोनों की मात्राएं अयस्क में बराबर होती हैं, ठीक है, तो हम लोग हाल विधि यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग तीन प्रोसेस पढ़ने वाले, बेयर प्रोसेस, एक सर्फेस प्रोसेस, एक हाल प्रोसेस। बेयर प्रोसेस तब यूज करेंगे जब फेरिक ऑक्साइड की शुद्धि क्या होगी, अधिक होगी, और सर्फेस प्रोसेस तब यूज करेंगे जब रेत क्या होगा उसमें अधिक मात्रा में होगा। और जब रेत और फेरिक ऑक्साइड की शुद्धि बराबर हो या अधिक मात्रा में हो एल्युमिनियम, तो हम लोग हाल प्रोसेस क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉपी करो एक एक करके। देखो एल्युमिनियम का जो मेन अयस्क होता है उसका बैक साइड होता है Al2O3.2S2O। सबसे पहला प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं बेयर प्रोसेस। ठीक है, बेयर प्रोसेस में इंप्योरिटीज जो है, अशुद्धि किसकी अधिक है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, मैंने आपको बताया है फेरिक ऑक्साइड की शुद्धि अधिक होगी तो बेयर प्रोसेस का यूज करेंगे। करते क्या है, हमने Al2O3.2S2O लिया, बॉक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं NaOH के साथ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बनेगा क्या, NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, बैलेंस। तो ठीक है, अब ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलता है ये वाटर सोल्युबल है, है ना, और जो अशुद्धि होती है वो क्या हो जाती है, छान करके हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बचता है, इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में हम लोग थोड़ी सी मात्रा किसकी डाल देते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ये 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 35 से 36 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। ठीक है, अब ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला आपने को, इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में थोड़ी सी मात्रा किसकी डाल देते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, और उसका जल अपघटन करा देते हैं। ठीक है, जब जल अपघटन कराते हैं इसका, तो यहां से अपने को मिलता है AlOH का होल ब्राइस मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से NaOH क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब ये जो है AlOH का होल ब्राइस, इसको हम लोग क्या करते हैं, तीव्रता से गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से अपने को मिल जाता है Al2O3, क्या मिला, एल्यूमिना मिला, और यहां से अलग क्या हो जाएगा, H2O वेपर के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इससे इस प्रोसेस से जो एल्यूमिना मिलता है वो प्योर एल्यूमिना नहीं होता। ठीक है, वो भी क्या होता है, प्योर नहीं होता है। बाद में हम शोधन करेंगे इसका, तो उसमें हम लोगों को प्योर एल्यूमिना मिलेगा, उसका
इलेक्ट्रोलाइसिस भी कराएंगे हम लोग, और उसकी एक दूसरी विधि होती है कूप विधि, ठीक है, कूप विधि, हाँ जी, ठीक है। तो एयर टू एयर का होल ड्राइस को हम लोग क्या करते हैं, तीव्रता से गर्म करते हैं तो ये मिलता है, ठीक है। आगे देखो, अगली जो विधि है एयर हो गया, दूसरा प्रोसेस है सर्पेक प्रोसेस, ठीक है। सर्पेक प्रोसेस में मैंने आपको बताया था डिटेल की किसकी हो, रेत की हो, मतलब ये सही ऑटो की हो, है ना। तो सर्फेक्ट प्रोसेस का यूज करेंगे हम लोग जब रेत ज्यादा मात्रा में होगी, या ऐसा ही ऑटो मतलब ये रहती है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में, तो उसको करते क्या हम लोग, बॉक्साइड जो होता है एयर टू ओ थ्री डॉट टू एच टू, इसको हम लोग कोक चूर्ण के साथ मिला लेते हैं, कोक पाउडर, ठीक है, कोक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं और नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं हम लोग प्रवाहित करते हैं, गैस देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को भेजते हैं, टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है ये 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्युमिनियम बॉक्साइड को कोक चूर्ण के साथ नाइट्रोजन गैस के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो एल्युमिनियम जो नाइट्रोजन से क्रिया करके एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लेता है, ठीक है, और यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्प क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एल्युमिनियम नाइट्राइड मिलता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड को हम लोग क्या करते हैं, जल अपघटित कराते हैं, जब जल अपघटित कराया जाता है एल्युमिनियम नाइट्राइड AnM, यहां से अपने को एयर ओएस का होल ड्राइस मिलता है और अमोनिया क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, अमोनिया क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब फिर से अपने को क्या मिला, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस फिर से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तीव्रता से क्या करते हैं, गर्म कर दे, यानी एयर ओएस का होल ड्राइस तो तीव्रता से लगभग 1800 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के अंदर हम लोग गर्म कर दें, तो यहां से अपने को Al2O3 मिल जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हार्ड प्रोसेस, ठीक है, लास्ट कड़ी डालो, हाल प्रोसेस, हाल विधि, हो गया। तो देखो हाल प्रोसेस में मैंने क्या बताया, जब फेरिक ऑक्साइड और रेत ये शुद्ध या तो बराबर हो या फिर क्या हो अधिक मात्रा में, तो उस स्थिति में हम लोग हाल प्रोसेस का यूज करते हैं। इस विधि में करते क्या है, बॉक्साइड को हम लोग ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है
तो ये मिलता है एन ए एल ओ टू सोडियम एलिमिनेट, ठीक है, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है। अब ये जो सोडियम एलिमिनेट मिला इसका जल अपघटन करा देते हैं हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो एनए एम ओ टू होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके इसका जल अपघटन जब कराया जाता है तो ये फिर से क्या मिल जाता है एल ओ एस का होल क्राइस और यहां से एनए टू सीओ थ्री क्या हो जाता है। अब फिर से एल ओ एस का होल क्राइस मिल जाता है एल ओ एस के होल क्राइस मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से तीव्रता से क्या करते हैं हम लोग गर्म करते हैं। लास्ट वाला स्टेप तीनों का सेम है, ठीक है, टेम्परेचर वही 1500 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे एल्यूमिना मिलेगा एल टू ओ थ्री और यहां से एस टू ओ क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि बॉक्साइड को ट्रीट करते किसके साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलता क्या है सोडियम एल्यूमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो जाते हैं जो इम्प्योरिटीज होती है छानकर हम क्या कर लेंगे उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद सोडियम एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल अपघटन कराया जाता है। जल अपघटन कराने पर क्या मिला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और यहां से सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाता है अलग हो जाता है। इसको छान करके अलग कर लेते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को तीव्रता से गर्म करते हैं मतलब लगभग 1500 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गर्म करें तो अपने को क्या मिलेगा एल्यूमिना मिलेगा और यहाँ से वाटर वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा आवाज नहीं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन मीना का नहीं एल्यूमिना एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन हो गया। देखो जो प्योर एल्यूमिना होता है ठीक है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये 2050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। और प्योर एल्यूमिनियम जो होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें उस इंप्योरिटीज इसमें क्या कर देते हैं हम लोग डाल देते हैं प्योरिटीज में जैसे डालते हैं हम लोग क्रायोलाइट है ना। इसमें हम लोग Na2Al जब 6 डाल देते हैं, ठीक है, डालते हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट घट करके कितना हो जाता है 875 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना 875 से 900 डिग्री। इसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस कराना होता है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते समय हमें कंटेनर लेते हैं आयरन का, ठीक है। यहां पर कार्बन की लाइनिंग लगी होती है बर्थ लगी होती है, और यही आप
आपका इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है।
एल एफ थ्री और यहां से अलग क्या हो जाएगा ओ टू, ओ टू अलग हो जाएगा। ठीक है, कुछ कार्बन यहां पर पिसे हुए कार्बन डाल दिए जाते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फ्रोजन क्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट का जमा हुआ परत होती है, तो वहां जो उपस्थित कार्बन होता है उस कार्बन O2 से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेंगे और कुछ कार्बन O2 से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन किस पर होगी, एनोड पर होगी। और कैथोड पर क्या होगा, मैंने आपको बताया है ये जो आयरन का जो बर्तन है जो आपने लगा रखा है उसके नीचे जो कार्बन की जो परत आपने जमा कर रखी है और ये किसके जैसा काम कर रहा है, कैथोड के जैसा। तो कैथोड की जो रिएक्शन होगी, कैथोड पर ये जो एल्यूमिनियम है कौन वाला, ये 2Al प्लस 3 ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 2Al के रूप में कैथोड पर क्या हो जाएगा अवशेषित हो जाएगा और इस आउटलेट से उसको हम लोग क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। मैं एक बार समराइज करूं तो जो Na3AlF6 से इलेक्ट्रिसिटी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है अपने को 6Na प्लस 2Al प्लस 3 और 12F माइनस, है ना। एल्मिना का कराएंगे Al प्लस 3 Al3 माइनस 3, है ना। तो एनोड की रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगा यानी 12F माइनस कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें F2 में 12 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके निकाल करके। और ये जो L2O3 है ये एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किसी भी पदार्थ द्वारा ऋण वैद्युतीय तत्व को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन होती है। यानी यहाँ Al किस स्टेट में है, यहाँ Al बताओ किस स्टेट में है आपके, अरे ये माइनस टू तो माइनस सिक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस थ्री स्टेट में है ना, यहाँ Al किस स्टेट में है, यहाँ भी प्लस थ्री भी होगा। लेकिन Al के साथ ये जुड़ रहा है मतलब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, जब किसी भी एलिमेंट के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है तो वहां रिएक्शन कैसी होती है, ऑक्सीडेशन की होती है। यानी यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी AlO3F के साथ रिएक्शन करके AlF3 बना रहा होगा किस पर, एनोड पर। और कुछ कार्बन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड जबकि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट होकर के बाहर चले जाएंगे गैस के रूप में। और कैथोड की जो रिएक्शन होगी, कैथोड पर ये जो आपका 2Al प्लस 3 है ये 6 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा यानी गेन करेगा और Al के रूप में क्या हो जाएगा अवशेषित हो जाएगा किसपे, कैथोड पर, जिसको हम लोग इस विकास नली के द्वारा क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस विकास नली के द्वारा बाहर निकाल देते हैं।